देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज अब होने जा रहा है। कुछ ही दिन में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके पहले ये हमारे पार्टी का विशेष अधिवेशन आहूत किया गया है और सारे पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं। 2024 के चुनाव के लिए 24 घंटा अब मंत्र मेहनत करने का उन्हें दिया गया है और साथ ही सारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से पार्टी का निर्देश है कि हमारा एनडीए का जो गठबंधन है उसमें अब 5 दल कुल शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल तो रहा ही है, लेकिन अब हमारे साथ निषाद पार्टी भी है, भारतीय समाज पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोकदल भी है। तो जहां भी हमारे जिस भी एनडीए के घटक दल का प्रत्याशी हो, हमारे कार्यकर्ता जहां भी हैं, जिस सीट पर 80 सीटों पर 100% का स्ट्राइक रेट हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास करना है। देखिए, पार्टी की जो भी अपेक्षाएं हैं वो हम अपने सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ अभी बैठे थे हाल ही में, उनके साथ हमारी पार्टी का स्पष्ट जो मत है वो हम रख चुके हैं। सीटें हमारे जो इंटरेस्ट की हैं उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। बहुत जल्दी हम कौन सी सीटें लड़ेंगे, कितनी सीटें लड़ेंगे, ये जानकारी सब आप सबके सामने आ जाएगी, बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। देखिए, हर पार्टी की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी पार्टी का ये आंतरिक अपनी निर्णय होगा, उन्हें कितनी सीटों की डिमांड करनी है या क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने निश्चित रूप से बीजेपी के साथ शेयर की होगी। लेकिन हमारी अपनी पार्टी का मत अलग है, भिन्न है। हमारे अपनी जो आंतरिक चर्चाएं हैं उसके आधार पे हमारी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई है। सब स्पष्ट हो जाएगा, बातचीत सारी हुई है, लेकिन मीडिया के सामने अभी कहने का वक्त नहीं है, बहुत जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज अब होने जा रहा है, कुछ ही दिन में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके पहले ये हमारे पार्टी का विशेष अधिवेशन आहूत किया गया है और सारे पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं। 2024 के चुनाव के लिए 24 घंटा अब मंत्र मेहनत करने का उन्हें दिया गया है और साथ ही सारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से पार्टी का निर्देश है कि हमारा एनडीए का जो गठबंधन है उसमें अब 5 दल कुल शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल तो रहा ही है, लेकिन अब हमारे साथ निषाद पार्टी भी है, भारतीय समाज पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोकदल भी है। तो जहां भी हमारे जिस भी एनडीए के घटक दल का प्रत्याशी हो, हमारे कार्यकर्ता जहां भी हैं, जिस सीट पर 80 सीटों पर 100% का स्ट्राइक रेट हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास करना है। देखिए, पार्टी की जो भी अपेक्षाएं हैं वो हम अपने सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ अभी बैठे थे हाल ही में, उनके साथ हमारी पार्टी का स्पष्ट जो मत है वो हम रख चुके हैं। सीटें हमारे जो इंटरेस्ट की हैं उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। बहुत जल्दी हम कौन सी सीटें लड़ेंगे, कितनी सीटें लड़ेंगे, ये जानकारी सब आप सबके सामने आ जाएगी, बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। देखिए, हर पार्टी की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी पार्टी का ये आंतरिक अपनी निर्णय होगा, उन्हें कितनी सीटों की डिमांड करनी है या क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने निश्चित रूप से बीजेपी के साथ शेयर की होगी। लेकिन हमारी अपनी पार्टी का मत अलग है, भिन्न है। हमारे अपनी जो आंतरिक चर्चाएं हैं उसके आधार पे हमारी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई है। सब स्पष्ट हो जाएगा, बातचीत सारी हुई है, लेकिन मीडिया के सामने अभी कहने का वक्त नहीं है, बहुत जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।